की प्रिय भक्तों, सनातन धर्म की पिगुल बजाने वाले परम पूज्य परम श्रद्धे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी आज सारे टीवी चैनलों के माध्यम से पूरी दुनिया में सूरज की तरह दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। श्री राम कथा के द्वारा लोगों में सनातन धर्म की गंगा बहाकर मन में चेतना का संचार कर रहे हैं। इतने प्रसिद्ध होने में गरीबी भी एक कारण है, जानते हैं क्यों? एक समय 4 जुलाई 1996 को गढ़ा गांव छतरपुर जिले में जन्मे धीरेंद्र जी, पिता श्री राम कृपाल, माता सरोज देवी। गर्ग के साथ छोटे से घर में माली हालत में बचपन गुजारे। तब ठीक से भोजन की भी व्यवस्था आसान नहीं थी। पिताजी को कथा बाँच कर जो सीधा सामान मिलता उसी से गुजर होता। एक बार पढ़ाई के लिए 1,000 रुपए जुटाना भी पिता के लिए असंभव था। इसी गरीबी से प्रेरणा ली और हनुमान जी की भक्ति में डूबकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया और पढ़ भी गए। आगे सुनते हैं क्या हुआ। पढ़ते थे, तंग हाल तो थे मगर हैरान ना थे। इनके होंठों पर मुस्कुराहट थी जो आज भी है। कहते हैं इनकी आंखों में अजीब सी चमक बचपन से ही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा था ये लड़का बहुत नाम रोशन करेगा अपने कुल का। एक कहावत पुरानी है जो इन पर लागू हुई, होनहार बिरवान के जो होत चीखने पार। धीरेंद्र जी पढ़ाई और शास्त्रों का अध्ययन करते रहे, साथ साथ भगवत भजन में डूबे, बजरंगबली की साधना और सन्यासी बाबा की तपस्या में लगे रहे। सन्यासी बाबा इनके दादाजी हैं, जिनकी समाधि यहाँ बनी है। आगे भी सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। शास्त्री जी किशोर अवस्था से ही कथा पूजा पाठ करने लगे थे। उनके ललाट पर तरुण अवस्था से ही प्रतिभा रूपी मणि चमकने लगी थी। जानकार जानने लगे थे इनकी अद्भुत भक्ति और अद्भुत साधना को। फिर इन्होंने
शास्त्रों का भरपूर अध्ययन किया और शास्त्री कहलाने लगे। शास्त्रों का ज्ञान हुआ तो श्री राम कथा, श्री हनुमान कथा और भागवत पुराण सुनाने लगे। बुंदेलखंड की शैली में इनके मुख से निकला ठठरी के बरे जुमला सुनकर सुनने वाले गदगद हो जाते। ठठरी के बरे ने इनको इस कदर चर्चित किया कि आसपास के कई गांवों में इनकी कथा की चर्चा होने लगी। ठठरी के बरे का मतलब ये है कि कथा सुनने वालों के जीवन से बुराई और संकट जर जावे। इनकी कथा में ज्ञान के अलावा हंसी का पुट भी है जिससे लोग सुनने दूर दूर से आकर देर तक बैठे रहते हैं। आगे सुनते हैं इनकी खासियत और क्या है। बात है, पंडित धीरेंद्र जी की चर्चा गांव गढ़ा से होते होते नजदीक के 50 गांव तक पहुंची। इसके आगे धीरे धीरे पूरे छतरपुर क्षेत्र में होने लगी। महीना दो महीने में इनकी सिद्धि और इनके उपकारों की दास्तान को गायक कलाकार संगीत में गाने भी लगे। तब न जानने वाले भी इनको जानने लगे, पूजने लगे। हजारों लोग गांव गढ़ा जाने लगे। बागेश्वर धाम में हनुमान जी के मंदिर के पास शिव जी का भी एक मंदिर है। श्रद्धालुओं की भीड़ पढ़ने लगी। यहां पर भजन कीर्तन रामायण पाठ होने लगे। आने वालों का कष्ट निवारण होता गया। फिर क्या था, जंगल में आग की तरह गुरुदेव की शोहरत चारों तरफ फैल गई। इसके आगे क्या हुआ सुनते हैं। लगे लोगों में अब इनके प्रति गहरी आस्था पनप चुकी है। इनकी बुराई सुनना भी पाप मानने लगे। कुछ भक्त पंडित धीरेंद्र जी को भगवान तो कुछ लोग अवतारी पुरुष समझ रहे हैं। दूसरी तरह कुछ वर्ग इनको पाखंडी बता रहे हैं। जिनकी तकलीफ मिटी वो अपना मसीहा कहकर पूज भी रहे हैं। कुछ लोग त्रिकालदर्शी बता रहे हैं, कोई महान संत कहते हैं।
लोगों का इनके धाम से जीवन बना है, अनेक बधाएं मिटी हैं, हजारों श्रद्धालु अपने मन मंदिर में बसाए हैं, क्योंकि आगे सुनते हैं आप। दीवाना बना रखा है, कथा का रस बरसाने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी अनेकों बार विदेश जा चुके हैं, विदेश में भी इनके सैकड़ों हजारों शिष्य हैं, सुनने वाले ऐसा मान रहे हैं धीरेंद्र जी की वाणी में सरस्वती देवी विराजमान हैं, ये कुछ भी प्रसंग सुनाते हैं लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, झूमने लगते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, टीवी चैनल वाले खुद को धन्य समझते हैं, इनका इंटरव्यू लेने से पंडित धीरेंद्र जी का एक अभियान, एक उद्देश्य, एक संकल्प है कि अब इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना है, अपनी हर कथा में श्री राम के झंडे हर हिंदू घरों में लगाएं और भगवा को मन में बैठाएं। बोलते हैं अभी 26 वर्ष की उम्र है और इनका दावा है कि इन्होंने 30 लाख लोगों की पर्ची निकाली है, विरोधी इस बात को गलत बता रहे हैं, मगर इनके श्रद्धालुओं को फर्क नहीं पड़ता, बागेश्वर धाम के चमत्कारों को आज सारी दुनिया नमस्कार करती है, किस लिए आगे सुनते हैं।